मंदाकिनी नदी का उद्गम चित्रकूट में ही हुआ है माता अनुसुईया के द्वारा। तो मंदाकिनी नदी केदारनाथ घाटी में भी पाई जाती है, जो कि अलकनंदा के साथ मिलकर गंगा माता का रूप लेती है। और इसी मंदाकिनी नदी में केदारनाथ में बहुत भारी प्रलय आया। सप्त ऋषि जो कि सात ऋषियों का समूह है, तारामंडल के रूप में भी हम जानते हैं, उनको बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पे दर्शाया गया है। इसी आश्रम में माता अनुसुईया ने सीता माता को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया था। जो एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव माता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए आश्रम पर पधारते हैं। उन्होंने तीनों देवों को नन्हे नवजात शिशु के रूप में बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल भारत दर्शन स्टूडियो में। इस वक्त हमें मध्य प्रदेश के पावन तीर्थ क्षेत्र चित्रकूट में, और इस वीडियो में आपको दर्शन कराएंगे माता अनुसुईया और अत्रि मुनि के आश्रम के। दोस्तों इस स्थल से जुड़े सारी रहस्य, सारी कथाएं, सारे दर्शनीय स्थल बिल्कुल डिटेल में आपको बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों यह बहुत ही पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, जो कि रामायण कालीन कुछ विशेषता रखता है। भगवान श्री राम अपने वनवास काल के दौरान यहाँ आए थे, उससे जुड़ी कथा भी हम आपको बताएंगे। और सामने आप ये जो नदी देख रहे हैं, यह है पावन मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी का उद्गम चित्रकूट में ही हुआ है माता अनुसुईया के द्वारा। आगे हम आपको लेकर चलेंगे उद्गम स्थली, उससे पहले नदी के आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों मंदाकिनी नदी केदारनाथ घाटी में भी पाई जाती है, जो कि अलकनंदा के साथ मिलकर गंगा माता का रूप लेती है। और इसी मंदाकिनी नदी में केदारनाथ में बहुत भारी प्रलय आया था, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो क्या है इसके पीछे की कथा, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल आपको आगे लेके चलेंगे माता अनुसुईया के आश्रम में, वहीं पर उद्गम स्थली आपको दिखाएंगे, और इसके पीछे की विस्तृत कथा भी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आइए चलते हैं माता अनुसुईया के आश्रम की ओर। तो हम पहुंच चुके हैं अनुसुईया माता के आश्रम, और आश्रम के ठीक सामने आप देख सकते हैं मंदाकिनी नदी का सुंदर दृश्य। इसी स्थान से इस नदी का उद्गम हुआ है, यही स्थान, यही आश्रम इस नदी का उद्गम स्थली है। दोस्तों मंदाकिनी नदी का मूल उद्गम जो है, वो भगवान विष्णु के श्री चरणों से, उनके नाखूनों से निकली हुई यह नदी है, जिसको भगवान शिव शंकर ने अपनी जटाओं में धारा था। भागीरथ जी की तपस्या से भगवान शिव शंकर ने अपनी जटा से गंगा माता को या मंदाकिनी को धरती पर उतारा था, और वहां पर केदारनाथ घाटी में माता मंदाकिनी अलकनंदा के साथ मिलकर गंगा माता का रूप ले लेती हैं। इसी मंदाकिनी नदी में भारी प्रलय केदारनाथ में आया था, जिसे आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों प्रश्न यह उठता है कि जब इस नदी का उद्गम केदारनाथ है, तो यहाँ पर इसका उद्गम क्यों माना जाता है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान अत्रि मुनि जो कि अनुसुईया माता के पति देव थे, उनका यह नियम था कि वह रोज सुबह गंगा नदी स्नान करने जाते थे। एक समय के बाद जब वो बूढ़े हो गए, उनका आना जाना संभव नहीं हो पाता था, तब माता अनुसुईया ने अपने तपोबल से, अपनी तपस्या से माता मंदाकिनी को यहाँ पर प्रकट किया था। तब से यह माता मंदाकिनी का दूसरा जो है उद्गम स्थल है। तो चलिए चलते हैं आश्रम की ओर। सबसे पहले इस आश्रम के बाहर से आपको दर्शन कराते हैं, और यह है इस आश्रम का भव्य इमारत, और इसमें पौराणिक कथाओं को बहुत ही खूबसूरती के साथ चित्रांकित किया गया है। राइट साइड में आप देखिए जो विजय रथ बना हुआ है, यह महाभारत कालीन दृश्य को दर्शाता है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। गीता उपदेश का एक खूबसूरत दृश्य है। और इस भवन के, इस आश्रम के लेफ्ट साइड में आप देखेंगे यह जो धर्म रथ बना हुआ है, यह रामायण कालीन दृश्य को दर्शाता है। जब भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तो युद्ध में भगवान श्री राम की सहायता के लिए इंद्र ने जो रथ भेजा था, वही दृश्य यहाँ पे दर्शाया गया है। और इस भवन के चोटी पर ये देखिए, यह खूबसूरत जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह सप्त ऋषि तारामंडल है।
बीच में विराजमान है श्री परमहंस जी महाराज, और इनके तीनों ओर आप देख सकते हैं सप्तऋषि, जो कि सात ऋषियों का समूह है, तारामंडल के रूप में भी हम जानते हैं, उनको बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पे दर्शाया गया है। तो चलिए चलते हैं आश्रम के अंदर, जहाँ पे आपको दर्शन कराएंगे यहाँ पर बनी सुंदर सुंदर झांकियों की, जो कि अलग अलग पौराणिक कथाओं के अलग अलग दृष्टांतों को बहुत खूबसूरती के साथ दर्शाता है। दोस्तों, यहाँ से जुड़ी बहुत सारी रोचक कथाएं हैं जो आपको इस वीडियो में हम लगातार बताने वाले हैं। जैसे जैसे प्रसंग आएगा आपको उनसे जुड़ी सारी कथाएं हम बताने वाले हैं वीडियो में, अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है। वैसे तो माता अनुसुईया और इस आश्रम से संबंधित बहुत सारी कथाएं हमारे धर्म ग्रंथों पुराणों में वर्णित हैं, उनमें से कुछ रोचक कथाएं इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। दोस्तों, जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ था तो उन्होंने अपनी वनवास की बहुत बड़ी अवधि चित्रकूट में बिताई थी, और इसी दौरान वो श्री लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ इस आश्रम में अत्रि मुनि और माता अनुसुईया के दर्शन के लिए आए थे, जैसा कि आप इस दृष्टांत में देख पा रहे हैं। इसी आश्रम में माता अनुसुईया ने सीता माता को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया था, जो कि रामायण काव्य में बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा गया है, और बहुत सारे सीरियल्स में एपिसोड्स में आपने इन्हें देखा हुआ है। माता महासती अनुसुईया परम तेजस्वी तपस्विनी थीं, और उनके इस आश्रम से संबंधित एक और बहुत ही रोचक कथा है, जो कि इस प्रकार है। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव माता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए भिक्षुक या साधु के वेश में उनके आश्रम पर पधारते हैं, और उन्होंने माता के सामने यह शर्त रखी कि आपको अपने सतीत्व की सीमा से बाहर आकर लाज में शर्म छोड़कर हमारे साथ व्यवहार करना होगा। लेकिन माता सती अनुसुईया परम तेजस्विनी होने के कारण उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि ये और कोई नहीं बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं जो मेरी परीक्षा लेने आए हैं। तब उन्होंने तीनों देवों को नन्हे नवजात शिशु के रूप में बदल दिया और एक माता के समान उनके साथ व्यवहार किया। इस प्रकार उनके द्वार से भिक्षुक या साधु वापस भी नहीं गया, त्रिदेवों की लाज भी रख ली उन्होंने, और उनके सतीत्व का खंडन भी नहीं हुआ। और इस प्रकार माता अनुसुईया को त्रिदेवों के माता होने का गौरव और सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। दोस्तों, संपूर्ण आश्रम में अलग अलग धर्म ग्रंथों पुराणों के अलग अलग दृष्टांत को झांकियों के रूप में बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है, जहां पर मूर्तियों विग्रहों और चित्रकारी के माध्यम से सभी दृष्टांतों को बहुत ही खूबसूरती के साथ दर्शाया गया है, जो कि देखते ही बनता है।
आगे और भी खूबसूरत झांकियां और दृष्टांत देखने को शेष हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आनंद लीजिए इस मनोरम और मनमोहक दर्शन यात्रा का।
दोस्तों, हमने इस वीडियो के माध्यम से माता अनुसुईया के इस पवित्र आश्रम के दर्शन कराने की एक छोटी सी कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने प्रियजनों के साथ, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत भूमि के पवित्र तीर्थ क्षेत्र और पर्यटन से संबंधित ऐसे ही रोचक वीडियोस रेगुलर आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और साथ ही इस सीरीज में चित्रकूट धाम के पवित्र तीर्थों को हमने अलग अलग वीडियो के माध्यम से दिखाया है, जो कि प्लेलिस्ट के रूप में आपको चैनल पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हम अवेलेबल करा देंगे, आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा। और साथ ही इसके पहले मैहर यात्रा की वीडियोज भी हमने बनाए हुए हैं, जो कि ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने की आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत माता।